आज वेक्टर के लेक्चर टू में तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए जाने हैं। लेक्चर वन में आपने देखा था बेसिक वेक्टर क्या है, वेक्टर की नीड क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और कॉमन कॉमन डेफिनेशंस क्या लिंक होती हैं वेक्टर के साथ। आज लेक्चर टू के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें, जैसे कि जो नियम बताए थे मैंने कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर तब होगी जब तीन चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और उसके साथ वो वेक्टर के कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को फॉलो करेगी तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो आखिर वो कौन कौन से नियम हैं? इन नियमों में ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पैरेललोग्राम लॉ है, पॉलीगन लॉ है। इनका क्या मतलब है, इनका रूट कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों इनको यूज़ किया जाता है और ये एग्जैक्टली क्या सिग्निफाई करती हैं, इन तीनों की चर्चा करेंगे। इसके बाद किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिजॉल्व करना, यानी अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी प्लेन में लगा हुआ है तो उसका इंडिविजुअल एक्सेस में शेयर कितना है, जैसे कोई एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स की तरफ कितना शेयर, वाई की तरफ कितना शेयर, इसे कहते हैं रिजॉल्व करना वेक्टर को, यानी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। और इसके साथ साथ थर्ड लेक्चर में हम बात करेंगे, मतलब सॉरी आज के थर्ड कंटेंट में, कि दो वेक्टर आपस में जुड़े तो उनका जो रिजल्टेंट बने उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें और उसकी डायरेक्शन कैसे निकालें, जिसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक लॉ ऑफ कोसाइन यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का एक फार्मूला आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और एक लॉ ऑफ साइन इससे से जुड़ा हुआ है जिसको हम लिखते हैं आर बाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई साइन बीटा इक्वल टू बी बाई साइन थीटा सॉरी बी बाई साइन अल्फा। तो वो अल्फा बीटा थीटा क्या है इसको मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में। तो ये बड़ी खूबसूरत तीन चर्चाएं हैं जिसको आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं पार्ट टू के अंदर, यानी लेक्चर टू के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चर्चा करेंगे लॉस की और उसमें ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। आगे बढ़ते हैं। चर्चा शुरू करते हैं ट्रायंगुलर लॉ से। अभी वक्त है ये समझने का कि आखिर तीन कंडीशंस कौन कौन सी हैं। पहला तो वेक्टर में आपने सुना उसका उसके पास मैग्नीट्यूड हो वेक्टर कहलाने के लिए, दूसरा उसके पास डायरेक्शन हो, और तीसरा वो वेक्टर के नियमों को फॉलो करे। तो आखिर ये नियम क्या हैं, रूल क्या हैं, इनको फॉलो करना कैसे ज़रूरी है, इसी को अंडरस्टैंड करना है, और रूल की ज़रूरत हमें पड़ी ही क्यों। तो मान लिया एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उसके ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है F1, और दूसरी फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लग जाए तो ऑब्वियस ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में चलेगा। अगर वो दूसरे ऑब्जेक्ट फोर्स इधर लग जाए तो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, अगर बराबर हुए तो ये रेस्ट में हो जाएगा, नहीं तो जिधर का ज़्यादा होगा उधर की तरफ मूव करेगा। ये सेकेंड बातचीत हो गई। दूसरा, अगर यही दूसरे फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाए तो आप कहीं ना कहीं अगर दिमाग लगाएंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर दो फोर्सेस इस डायरेक्शन में लगा हुआ है तो ये भाई साहब दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे। अब ये तो रही कहीं ना कहीं सेटिंग, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक रिजल्टेंट फॉर्म होगा इस तरफ, जो इस एंटायर ऑब्जेक्ट को किधर मूव करा देगा, इधर की तरफ। अब आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी को हमने जियोमेट्रिकली लाइन और एरो की हेल्प से शो किया हुआ है, जिसमें से इस लाइन की जो लेंथ है वो कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड का आइडिया देने वाली है और एरो कहीं ना कहीं डायरेक्शन का आइडिया देने वाला है। तो अगर आप इसकी जियोमेट्रिकल सेटिंग बना रहे तो इसकी लेंथ कितनी लेनी है, यहाँ से इसकी डायरेक्शन कितनी होनी चाहिए, जब तक वो एक्यूरेट नहीं होगा तब तक इस वेक्टर की ज्योमेट्रिकल प्लॉट कभी भी सही नहीं हो सकती। और अगर आप ज्योमेट्री की हेल्प से इसका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो आप सही तरीके से निकाल भी नहीं पाएंगे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉन्च किया गया ट्रायंगुलर लॉ। ये इतना शानदार है कि अगर आप सेम लेंथ सेम साइज को अगर आप ऐसे प्लॉट करें और इस F2 को जो कि अपसाइड को दिखा रहा है, वो चाहे यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ, अगर आपने इसको राइट साइड शिफ्ट कर दिया F2, तो ये रिजल्टेंट यहां से ऐसे बनाया जा सकता है R। अब ये जो ट्रायंगुलर सेटिंग करी है ये इतनी खूबसूरत है कि यहां आप पूरी ज्योमेट्री लगा सकते हैं, जैसे पाइथागोरस लगा सकते हैं, ये वाली लेंथ की हेल्प से पाइथागोरस ये निकाल सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर। साथ में अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है तो टेन थीटा करके परपेंडिकुलर बाई बेस पे निकाल सकते हैं अगर ये वाला एंगल निकालना हो तो। तो जो नॉर्मल ज्योमेट्री के अंदर ट्रायंगल के नियम अप्लाई होते हैं वो सारे हर एक वेक्टर क्वांटिटीज के साथ अप्लाई हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी ऐसी क्वांटिटीज जिनके दो अमाउंट्स के एसोसिएशन से जो तीसरा बने, इन तीनों को एक ट्रायंगल के फॉर्म में प्लॉट किया जा सके, जो इस ट्रायंगल को फॉर्मेशन में आ सके
इसका मतलब कि वो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है, जैसे फोर्स इस नियम को प्रॉपरली फॉलो करता है, इसीलिए फोर्स को हमने एक वेक्टर क्वांटिटी कहा हुआ है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अच्छा, इसमें एक और कन्फ्यूजन नहीं है, जैसे एफ वन इतना बड़ा है, एफ वन अगर एफ टू अगर छोटा है तो ये इस डायरेक्शन में आएगी, अगर एफ टू और बड़ा है तो इस डायरेक्शन में आएगी, और बड़ा है तो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो जैसे जैसे इसका अमाउंट बढ़ेगा, कॉमन सेंस से सोचेंगे तो वैसे वैसे अगर रिजल्टेंट ऊपर की तरफ पहुंचता चला जाएगा। तो एक तो कॉमन सेंस से ये बात समझ आ रही है कि इसके बढ़ने से ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, यानी जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा। तो ये कॉमन सेंस से भी सेट हो रहा है और ट्रायंगल में तो सही सेट हो ही रहा है। तो आई होप कि आपको समझ आया कि इसको ट्रायंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि जो नॉर्मल नियम है, सामान्य नियम है ज्योमेट्री के, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री के, वो सब हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकें। ये खूबसूरती है ट्रायंगुलर लॉ की। अब ये तो रही कि आखिर हमने ऐसा किया क्यों। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लिया ऊपर से रेन आ रही है, सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल, और ऐसे हवा चल रही है। अब हवा की वजह से आपको पता है कि रेन ऐसे, रेन की डायरेक्शन ऐसी हो जाती है। अब इसी को अगर आप डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, ये सब निकालना चाहते हैं, तो अगर आप ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें कि ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये वेलोसिटी ऑफ विंड है, तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट रेन आना शुरू हो जाएगी, वो कुछ इस डायरेक्शन में आनी शुरू हो जाएगी। अब ये ट्रायंगल इतना खूबसूरत है कि इससे रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन भी निकाली जा सकती है, इससे ये वाला एंगल भी निकाला जा सकता है जिससे आप अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करेंगे। तो ये सब कुछ पॉसिबल तब है जब आपने इनको ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस है जिसकी चर्चा मैंने करी। अब स्टेटमेंट वाइज इसको क्या लिखते हैं, मैं वो समझा दूं। स्टेटमेंट बड़ा ही सिंपल है कि अगर कोई भी दो क्वांटिटीज किसी ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट किए जाएं, उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन, तो उस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होगी वो कहीं ना कहीं रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन का एक सही आइडिया देगी। दिस इज़ व्हाट ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन में। एक बार स्टेटमेंट यहाँ लिखता हूँ, और स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर उसको एक बार देख लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि इफ़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब मैं समझा देता हूँ अभी, देन द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इन अपोजिट ऑर्डर। यहाँ एक और वर्ड ऐड होगा, अपोजिट ऑर्डर। तो आई होप आप बिल्कुल वैसा ही है जैसे कॉमन सेंस है कि किसी ट्रायंगल की दो साइड से अगर दो वेक्टर रिप्रेजेंट किए जाए उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो जो तीसरी साइड होगी वो कहीं ना कहीं आइडिया देगी किसका, रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट का आइडिया देगी। इस पर फिर से समझ लीजिए, मान लिया एक वेक्टर ए है, ए है वेक्टर, और दूसरा वेक्टर बी है, यहाँ बी, तो जो तीसरी साइड होगी दिस विल गिव आइडिया अबाउट रिजल्टेंट, कि इन दोनों के एसोसिएशन से, इन दोनों के एसोसिएशन से जो तीसरा वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा या उनका रिजल्टेंट होगा, इसका आइडिया कौन देगा, तो थर्ड साइड। अब सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर का मतलब समझिए, जैसे ए ऐसे गया और बी ऐसे गया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा। देख रहे हैं आप एरो कैसे जा रहा है, ऐसे एरो। कुछ बच्चे इसको याद रखते हैं कि रिजल्टेंट का हेड इसके हेड से मैच करना चाहिए, इसका टेल टेल से मैच करना चाहिए। मुझे लगता है आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हेड और टेल बेसिकली क्या है। कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई फोर्स ऐसे लगा एफ वन और दूसरा फोर्स उसे ऊपर की तरफ दबा रहा है और एक राइट की तरफ जा रहा है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो ऑब्जेक्ट वहीं से शुरू होगा लेकिन जाएगा इस डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, इस डायरेक्शन में तब जाता जब एक नीचे लग रहा होता है और एक लेफ्ट लग रहा होता। अब इसी बात को कॉमन सेंस से समझिए, रेदर देन ये याद रखने के कि रिजल्टेंट का हेड सेकंड वाले के हेड से मैच करता है या टेल टू टेल, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक राइट लग रहा है एक ऊपर लग रहा है तो ऑब्जेक्ट जाएगा कहाँ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये वाली होगी, इस तरीके से होगी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि ए और बी के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, आर। ये कहीं ना कहीं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ क्या है, वेक्टर एडिशन है। अब इस ट्रायंगुलर लॉ में ये जो आर है क्या वो ए और बी के कॉम्बिनेशन से डेवलप हुआ है, तो आपको ये ऑलवेज याद रखना है कि ये जो आर है वो ए और बी के वेक्टर कॉम्बिनेशन से डेवलप हुआ है। ध्यान रखिए इस फॉर्मूला का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि अगर ए की वैल्यू 10 है बी की वैल्यू 10 है तो आर 20 हो जाएगा, नहीं। ये कोई नॉर्मल एडिशन नहीं है, इसके ऊपर एरो लगा है, वेक्टर एडिशन है, इसमें डायरेक्शन भी है
और मैग्नीट्यूड भी है। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ इस बात को बता रहा है कि आर जो है, जो ये आर आया है वो ए और बी के कॉम्बिनेशन से आया है, कॉम्बिनेशन से, बस इतनी सी बात। वेक्टर एडिशन को दिखाने का ये तरीका है, इसको सामान्य मैग्नीट्यूड को निकालने का ये फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ इस बात को बता रहा है कि ए और बी जुड़े तो कौन बना, आर बना, यानी आर ए और बी के कॉम्बिनेशन से बना है, वेक्टर कॉम्बिनेशन से। तो ये आई थिंक स्टेटमेंट है, फिगर है, और ये एक एक्सप्रेशन आपको लिखना है। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आई। तो और ध्यान रखिए, ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं है। मैग्नीट्यूड जैसे ये परपेंडिकुलर होते और ये मान लो होता 10, ये 10, तो पाइथागोरस से इसका मैग्नीट्यूड निकालते। मैग्नीट्यूड सामान्य इस फॉर्मूले से नहीं निकालना है, बस ये वाली पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो दो वेक्टर को अगर आप ट्रायंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो, अगर वो ट्रायंगल के लॉ को यानी इस नियम को फॉलो करें कि कॉम्बिनेशन से अलग ही डायरेक्शन आए और अलग ही मैग्नीट्यूड आए, तो वो क्वांटिटी वेक्टर कहलाने के लायक होगी। अब ये क्या है आप समझ गए। अब कई बार इन्हीं दो वेक्टर को पैरेललोग्राम की कॉन्फ़िगरेशन में भी पढ़ना पड़ता है और कई बार वो ज़्यादा रिलेवेंट होता है। तो आइए नेक्स्ट मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कराता हूँ, इसी से जुड़ा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है, दोनों लॉज बस एक ही यही हैं, इन्हीं की कॉम्बिनेशन को आपको डिस्कस करना है। तो एक बार मैं इसको हटाता हूँ और डिस्कस करते हैं पैरेललोग्राम लॉ। आइए, सो नेक्स्ट पॉइंट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेम कहानी अभी भी यही है कि अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जैसे मान लिया दो वेक्टर हैं, एक यहाँ ए और जो दूसरा वेक्टर है यहाँ बी, अगर मैं उसको यहाँ ना बना के यहीं बना दूँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे ही, एग्जैक्टली यहीं, आप चाहो तो ए को यहाँ भी बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, शिफ्टिंग तो हम कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बी यहाँ ना बना के ऐसे बना दें, तो क्या ये जो ए है, ये जो बी है, क्या ये पूरा का पूरा एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है? अब जो रिजल्टेंट होगा, क्या वो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा? मतलब ए और बी है और आर है तो ट्रायंगल, अगर ए और बी को दो एडजेसेंट साइड से दिखा दें तो जो डायगोनल होगा वो मैग्नीट्यूड को शो करेगा। मतलब इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन डायगोनल रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, बात वही है। तो अब ये पैरेललोग्राम लॉ हो गया। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ भी कहानी वही है, सेम ही, कि यहाँ जो आर होगा वो ए और बी के कॉम्बिनेशन से आएगा, लेकिन ये आर है कौन, डायगोनल है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास ट्रायंगल था ही, ए और बी यहाँ था, तो ये तीसरी साइड आर हो सकती थी, फिर पैरेललोग्राम लॉ की आवश्यकता क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों ये पॉपुलर हुआ, क्यों इतना फेमस है? तो मैं आपको बता दूँ, कई बार पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बर्ड है, बर्ड फ्लाई कर रही है मान लो। अब ये बर्ड फ्लाई कैसे करती है? बर्ड नीचे की तरफ एयर के ऊपर एक प्रेशर लगाती है, इधर से और इधर से। जब ये प्रेशर लगाती है तो नीचे का जो एयर है वो एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन होगा फोर्स वन, वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ऐसे ही जब ये नीचे की तरफ दबाएगी तो नीचे से ग्राउंड का रिएक्शन ऐसे आएगा। अब अगर एक फोर्स इधर लगा F1 और इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ऐसे लगा, तो ये बर्ड कहाँ जाएगी? ऑब्वियस है, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और एंटायर बर्ड ऊपर की तरफ फ्लो हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस लॉ में सेट हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि क्या ये पैरेललोग्राम लॉ में सेट हो रहा है? मतलब देखा जाए तो ऐसे ऐसे ये F1 और F2, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा है। हाँ, आप चाहते तो इस F2 को यहाँ शिफ्ट करके ऐसे भी दिखा सकते थे, या इस F1 को यहाँ ऐसे भी दिखा सकते थे। क्या ये पैरेललोग्राम बन गया, प्रॉपर पैरेललोग्राम? तो क्या दो फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से अगर ऑब्जेक्ट उसके डायगोनली ऊपर जा रहा है, तो क्या यहाँ पैरेललोग्राम लॉ ज़्यादा सूटेबल है? तो पूछा जाए फ्लाइंग ऑफ बर्ड बेस्ड ऑन विच लॉ, तो आप ऑब्वियस है वहाँ पैरेललोग्राम लॉ का रेफरेंस देंगे। तो कई बार ट्रायंगल से ज़्यादा खूबसूरत सेटिंग पैरेललोग्राम में बन जाती है। कई बार पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हमने ये पैरेललोग्राम लॉ रखा हुआ है। अदरवाइज फाउंडेशन बेसिक इस इन तीनों लॉज का सेम है, वैसा ही है, और खासकर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम में तो सेम है, बस स्टेटमेंट में थोड़ा चेंज आ जाएगा। वहाँ दो साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल था और यहाँ दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है, वहाँ तीसरी साइड थी और यहाँ डायगोनल था। तो आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट समझ आया।
पैरलोग्राम में रिप्रेजेंटेशन समझ आया, पैरलोग्राम की एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन समझ आई फ्लाइंग ऑफ बर्ड। तो ये है, बाकी अभी भी कहानी सेम है। आर इज़ वेक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, ये सामान्य मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं है, इसके ऊपर एरो लगा हुआ है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि ए और बी के कॉम्बिनेशन से आर बना। तो आई होप कि आपको पैरलोग्राम लॉ भी क्लियर हुआ। तो दो वेक्टर्स के लिए ट्रायंगल लगाओ या पैरलोग्राम लगाओ। अब अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो आपको ऑब्वियसली पॉलीगन पे जाना पड़ेगा, तो वो है पॉलीगन लॉ। मैं इसको एक बार हटाता हूँ और उसको भी दिखा देता हूँ ताकि प्रॉपर क्लैरिटी आ जाए। सो लास्ट पॉलीगन लॉ है और लिखा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई मल्टीपल साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इन सेम ऑर्डर, देन क्लोजिंग साइड इन अपोजिट ऑर्डर विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ व्हाट रिजल्टेंट्स। जरा समझिए, मान लिया एक ऑब्जेक्ट के ऊपर खूब सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब आपसे पूछा जाए रिजल्टेंट किधर, उसका सही ज्योमेट्री के हिसाब से सही अमाउंट की लेंथ क्या होगी रिजल्टेंट की और सही डायरेक्शन क्या होगी। तो यकीन मानो ऐसे कॉन्सेप्ट में आपका दिमाग ख़राब हो सकता है, लेकिन इसी को अगर आप पॉलीगन में कर लो बड़ी खूबसूरती से तो आप रिजल्टेंट भी बता पाओगे और मैग्नीट्यूड भी। कैसे, आपने बस करना क्या, छोटा सा काम, आपने इस ए को यहाँ बनाया, बना लीजिए सेम लेंथ और सेम डायरेक्शन, बी इधर है तो बी को यहाँ बनाइए, बी ऐसे होगी। आई होप आपको समझ आया। सी इस डायरेक्शन में है, इस लेंथ की है, तो आप सी इसी एग्जैक्ट इस डायरेक्शन में यहाँ बना लीजिए सी, और डी इस डायरेक्शन में है, इस तरफ है, तो आप एग्जैक्टली डी ऐसे बना लीजिए सेम लेंथ की और सेम डायरेक्शन में। आई होप आपको क्लियर हुआ। अब बिना किसी प्रॉब्लम के आप बता पाओगे कि रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा बिना किसी दिक्कत के। सो आई होप आपको क्लियर हुआ कि ना तो रिजल्टेंट को बताने में कि उसका उसकी लेंथ कितनी होगी और ना वो किस डायरेक्शन में होगी, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है अगर आपने इसको पॉलीगन के फॉर्म में प्लॉट कर दिया। तो अब ये जो आर होगा वो वेक्टर के हिसाब से क्या वो ए बी सी और डी चारों के कॉम्बिनेशन से डेवलप हुआ है? आप बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि दिस रिजल्टेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, वेक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी एंड डी, ये कहीं ना कहीं डेवलप हुआ है। तो अब पॉलीगन से कितना बढ़िया आइडिया मिल गया, ना तो रिजल्टेंट की दिक्कत और ना ही निकालने की दिक्कत। हाँ एक बात, तब आप स्टेटमेंट से मैच करिए, लिखा है कि मल्टीपल साइड से मल्टीपल वेक्टर रिप्रेजेंट किया गया है लेकिन सेम ऑर्डर में, सब एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं, तो ये जो आर होगा ये क्लॉकवाइज होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्वियस है, यहाँ लिखा भी है। देन क्लोजिंग साइड इन अपोजिट ऑर्डर विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो एक तो ये सारे एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए, तो इसकी वजह से जो रिजल्टेंट लगेगा वो अपोजिट ऑर्डर में लगेगा, ये बात आपको यहाँ फिगर से क्लियर हुई। दूसरा आपको ये क्लियर हुई कि ऑब्वियस भी है कि चारों के कॉम्बिनेशन से कहीं ना कहीं रिजल्टेंट तो यहीं से शुरू होगा और ऊपर की तरफ लगेगा, लेकिन किधर लगेगा ये प्रॉपर प्लॉट और प्रॉपर आइडिया किससे मिला, पॉलीगन से मिला। तो फिगर हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस फिगर की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व होते हैं। अक्सर डायगोनल वाले क्वेश्चंस वेक्टर के लॉस से एसोसिएटेड हैं और आसानी से सॉल्व हो पाते हैं कि मल्टीपल वेक्टर है तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, तो रिजल्टेंट बताओ, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पहुँचा तो ये वाला रिजल्टेंट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको देख करके आइडिया लग रहा है कि अगर एक दो तीन चार पाँच वेक्टर हैं तो छठा वेक्टर रिजल्टेंट हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड निकालना भी हेक्सागन का आसान होता है और डायरेक्शन बतानी भी काफ़ी आसान हो जाती है, डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। तो पॉलीगन हमारी काफ़ी मदद करता है ओवरऑल वेक्टर के जुड़ने से, एसोसिएट होने से। अगर ये ट्रायंगुलर पैरेललोग्राम या पॉलीगन वाले रूल में ज्योमेट्री में सेट बैठ रहे हैं तो ये प्रॉपर वेक्टर कहलाने के लायक है। और ये कितनी अच्छी है जिससे जो हमारी मैग्नीट्यूड निकालने में काफ़ी हेल्प करने वाली है, इसीलिए लॉज को ध्यान रखना और याद रखना और कॉमन सेंस से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको तीनों पे प्रॉपर फील आया कि क्यों, क्या ज़रूरत है, कितनी बढ़िया है इनका रिप्रेजेंटेशन। अब क्योंकि आप नॉर्मल एसोसिएशन समझ गए, अब इनकी मैग्नीट्यूड को कैसे निकालें उसको समझने का वक्त है, लेकिन उससे पहले आपको रेजोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले रेजोल्यूशन कर लेंगे और देन फिर चर्चा करेंगे मैग्नीट्यूड की। तो तीन पार्ट था जिसमें से फर्स्ट पार्ट यहाँ समझ आया आपको लॉज क्या थे, सेकंड पार्ट अब रेजोल्यूशन की है और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड से पहले जरा रेजोल्यूशन पढ़ लें। सो आइए सबसे पहले रेजोल्यूशन की बात करें।
मान लिया हमारे पास एक क्वांटिटी है फोर्स। अब आपको पता है वेक्टर का सबसे परफेक्ट एग्जांपल कौन है? फोर्स। अगर ये एक्स वाई प्लेन दोनों में लग रहा है, एक्स एक्सिस में भी लग रहा है और वाई में भी लग रहा है, अगर जाहिर है इधर लग रहा है तो इसका मतलब इसका कुछ अमाउंट इधर भी लग रहा होगा और कुछ अमाउंट इधर भी लग रहा होगा। अगर ये वाली एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस कह रहा हूँ, ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब इस फोर्स का कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ है, इधर भी और इधर भी, इन्हीं दोनों के मिक्सअप में है ये। तो इसका कितना अमाउंट, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल ये 10 न्यूटन लगा हुआ है, तो इसका कितना अमाउंट इधर लगा हुआ है, इसका नाम मैं एफ एक्स रख देता हूँ और इसका नाम मैं एफ वाई रख देता हूँ। तो इसका कितना अमाउंट इधर लगा हुआ है और कितना अमाउंट इधर लगा हुआ है, इसको कहते हैं रिजोल्यूशन, यानी इसी को कहते हैं रिजॉल्व करना, यानी वेक्टर को क्या करना? रिजॉल्व करना। आप फिर समझिए, आप ये भी कह सकते हैं, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो एफ है ये एफ एक्स और एफ वाई के कंट्रीब्यूशन से ही मिलकर के बना हुआ है, या यूं कहें कि इस एफ के दो शेयर हैं एफ एक्स और एफ वाई। ये कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ध्यान रखिए, जैसे 10 न्यूटन है उसमें से पता चला आधा इसको बटा हुआ है आधा इधर लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये आधी आधी वाली लॉजिक तब काम कर सकती है, वो भी एग्जैक्ट हाफ नहीं, इक्वल इक्वल तब काम कर सकती है, जैसे ये 45 डिग्री में हो, तो 45 का मतलब जितना इधर लगा हुआ है बिल्कुल मिड में है, तो जितना इधर लगा हुआ है उतना ही उधर लगा हुआ है, लेकिन इधर इसका हाफ लगा हुआ है ऐसा नहीं कह सकते। तो उसका एग्जैक्ट क्या तरीका है, किस तरीके से इसको निकालते हैं, वो यहाँ समझने की ज़रूरत है। तो रिजोल्यूशन में एक बात तो आपको आइडियली मिल गया कि 10 न्यूटन का कितना अमाउंट इधर लगा, कितना अमाउंट इधर लगा, इसी को निकालना रिजोल्यूशन है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सपोज एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर आप तिरछा फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कोई ट्रॉली है, अगर आपने ट्रॉली को ऐसे पिक किया हुआ है, आपने फोर्स इधर 10 न्यूटन लगाया और ट्रॉली आगे की तरफ मूव कर रही है। अब अगर ये ट्रॉली आगे मूव कर रही है तो ये क्या 10 न्यूटन की वजह से मूव कर रही है? मान लिया ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर। अब आपसे वर्क डन कह दिया जाए, फार्मूला शायद पढ़ा हुआ आपने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अगर 10 मीटर है तो क्या फोर्स 10 न्यूटन लगाएंगे? 10 इनटू 10 क्या 100 जूल का वर्क डन होगा? तो आंसर इज नहीं। देखना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग कितने फोर्स का कंट्रीब्यूशन है, इस 10 न्यूटन का कितना अमाउंट इधर की तरफ लगा हुआ है, क्योंकि इस 10 न्यूटन के दो टारगेट हैं, आगे बढ़ाना ऊपर ले जाना, क्योंकि दोनों के मिक्सअप में लगा हुआ है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो कितना अमाउंट आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ है, उस अमाउंट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन निकलेगा। तो यानी कई बार हमारे को ये जानना ज़रूरी है कि पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में कितना अमाउंट है। तो इसको निकालने का बड़ा ही खूबसूरत तरीका है कि मान लो आपको किसी एक के साथ एंगल पता लग गया कहीं से, तो आप सबसे पहले तो इस वेक्टर को ट्रायंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए। ट्रायंगुलर ज्योमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है और जब मैं लॉस पढ़ाऊंगा तो इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको पता लगेगी। फिलहाल आप समझिए कि आप चाहें तो इसको ट्रायंगुलर फ्रेम में शिफ्ट कर सकते हैं। ट्रायंगुलर फ्रेम में शिफ्ट करने का क्या मतलब है कि जैसे ये 10 न्यूटन है फोर्स या फिर एफ है मान लिया, तो इसका ये वाला जो हिस्सा है उसका नाम जो एफ एक्स रखा हुआ है उसको इधर तो बनाया ही, ये जो एफ वाई है इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो एक खूबसूरत ट्रायंगल बन जाएगा। ये एफ एक्स है और ये एफ वाई है और ये वाला एंगल आपको गिवन है दैट इज थीटा। इसी मतलब कहानी सेम है। इसका मतलब क्या है? अगर मुझे एफ का ऊपर वाला कंपोनेंट दिखाना है कि इधर एफ वाई है तो क्या फर्क पड़ता है मैं यहाँ दिखाऊं यहाँ दिखाऊं या यहाँ दिखाऊं? अगर मुझे कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं उसको कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो हमने क्या किया, इस एफ वाई को यहाँ शिफ्ट कर दिया, इधर की तरफ शिफ्ट किया, इससे खूबसूरत ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल बनते ही अगर आपको एक एंगल पता है तो अब आप ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज लगा सकते हैं बड़ी खूबसूरत सी। जैसे इस ट्रायंगल ये थीटा के ठीक सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस कहलाएगा और ये हाइपोटेन्यूस का काम करेगा। मान लिया आपको ये वाला कंपोनेंट पता है, हाइपोटेन्यूस पता है और बेस निकालना है, तो बेस और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन आई होप आपको याद होगा, उसे कहते हैं कॉस थीटा। यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, बेस यहाँ है एफ एक्स और हाइपोटेन्यूस है एफ, ये वाला एफ। तो जो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, अगर आप चाहो तो इस एफ को इधर भेज दो, तो जो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एफ कॉस थीटा। बिना किसी दिक्कत के आपको ये पता लग गई कि जो एफ एक्स की वैल्यू ये वाली वैल्यू वो कितनी है,
तो आई होप आपको समझ आया एफ कॉस थीटा। सिमिलरली ये ठीक सामने एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन क्या है तो आपको बताया साइन थीटा, यानी साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब एफ वाई और हाइपोटेनियस का मतलब एफ, यानी अगर एफ वाई की वैल्यू पूछी जाए तो ये एफ लेफ्ट में आएगा, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आएगा, यानी यहाँ बन जाएगा एफ साइन थीटा। तो एफ वाई को आप लिख सकते हो एफ साइन थीटा, समझ आई बातचीत। ये कॉस और साइन दो कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया, इसी एफ का ये वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट है और इसी एफ का ये वाला कंपोनेंट साइन कंपोनेंट है, इन्हीं कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना कहते हैं, यानी आपने इसको रिजॉल्व कर लिया, इस एफ को एफ एक्स यानी एफ कॉस थीटा और एफ वाई साइन थीटा में आपने इसको क्या किया, रिजॉल्व कर लिया। आई होप ये रिजोल्यूशन आपको समझ आया। इसको मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ ताकि और अच्छा फील आए कि जैसे ये एफ है तो ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, यहाँ आप लिख सकते हैं कि दिस इज व्हाट एफ कॉस थीटा एंड दिस इज व्हाट एफ साइन थीटा। आई होप आप रिजोल्यूशन का लेवल वन समझ गए। एक बार मैं इसे हटाऊं और एक और एग्जांपल दिखाऊं। सो जैसे मान लिया आपके पास एक वेक्टर ए है, तो ए यहाँ मान लो थीटा पता है, तो थीटा के साथ ट्रायंगल ऐसा बनेगा, तो थीटा जिसके साथ कैलकुलेट किया जाता है वो बेस होता है, तो बेस कंपोनेंट आप सीधा सीधा लिख सकते हो, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा, यानी इसको चाहो यहाँ बनाओ चाहो यहाँ बनाओ, जिसके साथ एंगल मेजर किया जा रहा है वो बेस है यानी वो कॉस कंपोनेंट है और ये कौन सा कंपोनेंट है साइन। ये है कोई पार्टिकल मान लिया एक सर्टेन वेलोसिटी से फेंका आपने, कल को प्रोजेक्टाइल आप पढ़ेंगे, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ प्लेन मोशन, 2D मोशन। तो आप मान लो कोई पार्टिकल इस तरफ वेलोसिटी वी से फेंकी जा रही है, अब पूछा जाए एक्स एक्सिस की तरफ किस वेलोसिटी से जा रही है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि ये तो प्लेन में जा रही है, एक्स वाई के मिक्सअप में जा रही है, अगर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है या फिर वी है तो बताओ इस तरफ किस वेलोसिटी से जा रही है। तो अगर आपको एंगल पता होगा तो आप सीधा कह सकते हो वी कॉस थीटा से जा रही है, ऊपर की तरफ किस स्पीड से आ रही है तो आप कहोगे वी साइन थीटा से आ रही है। जैसे अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ है उससे पूछो कि ये जो पार्टिकल इधर जा रहा है वो आपकी तरफ किस स्पीड से आ रहा है या उसे क्या एहसास होगा, तो आप कहोगे कि उसे वी कॉस थीटा का एहसास होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लिया वी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड और ये वाला एंगल है 60 डिग्री, तो अगर आप इस बंदे से पूछो कि भाई आपकी तरफ ये किस स्पीड से अप्रोच कर रहा है, अप्रोचिंग स्पीड क्या है, तो वो उसको क्या लगेगा, इस तरफ वाली स्पीड उसको वी कॉस थीटा लगेगा। वी कॉस थीटा का मतलब 10 इंटू कॉस 60 और आपको पता ही है 10 इंटू कॉस 60 का मतलब कॉस 60 की वैल्यू 1/2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी ये बंदा ये कहेगा कि ये मेरी तरफ यानी कि ये ऑब्जेक्ट मेरी तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से अप्रोच कर रहा है, अप्रोचिंग स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही कोई ऊपर पूछे, कोई यहाँ खड़ा है मान लो बंदा है और उससे पूछे आपकी तरफ किस स्पीड से अप्रोच कर रहा है, तो ये कहेगा मेरी तरफ तो वी साइन 60 से, यानी वी साइन 60 का मतलब होता है √3/2 यानी 5√3। आई होप आपको पता है 5√3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये मेरी तरफ आ रहा होगा। तो दोनों ही एक्सिस में इसके अमाउंट को निकालना ही रिजोल्यूशन है और ये बहुत काम का है, आप ध्यान रखें। इतना ही नहीं है, कोई भी वेक्टर में आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है और वेक्टर आर है, रिजल्टेंट आर है, चाहे नॉर्मली आर वेक्टर है और थीटा यहाँ से दिया हुआ है, इसको रिजॉल्व करना है, तो जिसके साथ थीटा है वो कॉस कंपोनेंट है, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा। कॉस और साइन एक दूसरे से कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये नहीं कि आपने याद कर लिया कि एक्स एक्सिस में हमेशा कॉस होता है, ऐसा नहीं है, जिसके साथ एंगल पता है वो कॉस कंपोनेंट है और उसका परपेंडिकुलर वाला क्या है, साइन कंपोनेंट है। तो ये कॉस और साइन डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। कई जगह बिना रिजोल्यूशन के काम नहीं चलता। फॉर एग्जांपल मान लिया कल को कोई इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन आएगा, उसमें एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा होगा कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट मान लिया स्लाइड करने वाला है इस तरफ, तो ये क्यों करेगा, तो अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आप ये कह सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी इस ऑब्जेक्ट का वेट इसे नीचे ले जा रहा होगा। फिर आपके दिमाग में आएगा कि वेट तो ग्रेविटी लगाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वेट लगता है और उसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे आती है। पता नहीं आपको याद है या नहीं है, फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन है, यही फोर्स अगर ग्रेविटी की वजह से लग रही है तो उसका नाम वेट होता है, वेट का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफर्ड बाई ग्रेविटी, जिसके लिए स्पेशल सिंबल है जी, तो उसका फार्मूला एम इंटू जी हो जाता है।
ये फोर्स जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगता है उसका नाम वेट होता है। मास इनटू एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाते हैं जिसकी वैल्यू 9.8 है। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो इसका वेट तो नीचे की तरफ लग रहा है क्योंकि जी की यूनिवर्सल डायरेक्शन नीचे है एम जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेट नीचे लग रहा है फिर भी इस तरफ जा रहा है, इस तरफ किस फोर्स की वजह से जा रहा होगा, तो आप ये कह सकते हैं इसी एम जी का कोई कंपोनेंट लगा होगा, यानी इसी एम जी का अमाउंट इधर लगा होगा उसकी वजह से जा रहा है। तो कल को अगर इस एम जी को हमें रिजॉल्व करना हो, वेट को रिजॉल्व करना हो, इसकी प्रॉपर एनालिसिस के लिए वेट को रिजॉल्व करना ज़रूरी है। तो रिजोल्यूशन के लिए ये जो इंक्लाइन प्लेन है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको, उसके बारे में आपको एक बात करनी होगी। मान लो ये वाला एंगल आपको थीटा दे रखा है तो यहाँ से वेट तो ऐसे लग रहा है, तो एक कंपोनेंट इस तरफ बन जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ बन जाएगा। अब अगर ये थीटा है तो यहाँ जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें ये 90, ये 90 माइनस थीटा। यहाँ अगर मैं एक परपेंडिकुलर प्लॉट करूँ सरफेस से तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा क्योंकि ये पूरा 90 है, उसमें से इतना पोर्शन अगर 90 माइनस थीटा है तो ये वाला पोर्शन थीटा हो जाएगा। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट इधर लगा हुआ है और ये वाला एंगल थीटा है, कंफ्यूज ना हो, ये थीटा कई बार एनालिसिस करेंगे और एनएलएम में तो ये इंक्लाइन प्लेन का केस बहुत ही फेमस है। फिलहाल आप इतना समझिए कि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो इस एम जी का ये वाला कंपोनेंट कहा जा सकता है एम जी कॉस थीटा। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जिसके साथ एंगल मेजर करते हैं वो बेस कहलाता है और वो कॉस कंपोनेंट होता है, उसका ठीक परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसको आप कह सकते हैं एम जी साइन थीटा। तो कल को आपसे पूछा जाए कि ये जो स्लाइड कर रहा है वो कौन से फोर्स की वजह से कर रहा है, तो आप कहेंगे एम जी साइन थीटा की वजह से कर रहा है क्योंकि एम जी साइन थीटा की डायरेक्शन नीचे है। तो यहाँ हमने एम जी को रिजॉल्व कर लिया दो अलग अलग कंपोनेंट्स में, एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा। तो रिजोल्यूशन का मतलब आई होप आपको समझ आया कि कंपोनेंट एनालिसिस, जहाँ ज़रूरत पड़े उस हिसाब से आप कंपोनेंट्स की क्या करें, एनालिसिस कर लें। दिस इज सिंपली रिजोल्यूशन पार्ट। अब रिजोल्यूशन का एक्सटेंशन भी है, कंपोनेंट से निकल क्या रहा है, इस कंपोनेंट से इस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का आइडिया लग रहा है। तो कंपोनेंट यानी रिजोल्यूशन इज फाउंडेशन ऑफ डिटरमाइनिंग रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, तो यानी एक रूट प्रोसेस है जिसके थ्रू आप मैग्नीट्यूड निकालते हो। तो रिजोल्यूशन का बेसिक आइडिया आपको लग गया। सो आइए थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जब दो वेक्टर्स आपस में जुड़ते हैं या किसी चीज के ऊपर अप्लाई होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, उसकी चर्चा शुरू करने का वक्त आ गया है। अब क्योंकि आप जानते हैं कि वेक्टर को हमने जियोमेट्रिकली सेटिंग बिठाई हुई है ट्रायंगल के फॉर्म में, पैरेललोग्राम या फिर पॉलीगन, तो इसका मतलब ट्रायंगल पैरेललोग्राम के सारे नियम, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कॉन्सेप्ट है या फिर जो पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट है, वो सारे वहाँ लगने वाले हैं। ये बात तो आइडिया मिल गया। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया कि कोई दो वेक्टर है, यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लिया एक फोर्स इधर लगा है F1 और दूसरा फोर्स इधर लगा है F2। आप पूछा जाए रिजल्टेंट फोर्स बताइए, उसकी डायरेक्शन क्या होगी और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसी को मैं A और B के फॉर्म में ले लेता हूँ कि मान लिया ये वेक्टर A है और यहाँ लगा हुआ है वेक्टर B, मतलब जो दूसरा फोर्स है उसको मैंने ऐसे दिखा दिया है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, वेक्टर B को ऐसे भी दिखाया जा सकता है, ये आपको पहले से क्लियर है। अब ऑब्वियस है कि अगर B यहाँ बनाया हुआ है तो पैरेललोग्राम के लॉ के थ्रू रिजल्टेंट यहाँ बन जाएगा R। आप चाहिए तो ये A को यहाँ भी बना सकते हैं और इस B को यहाँ भी बना सकते हैं, ओवरऑल ये एक पैरेललोग्राम बना। अब इसमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आइए उसी की चर्चा करते हैं। तो मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, सो थोड़े एनलार्ज वर्जन में देखते हैं। मान लिया ये A है और ये B है। अब A और B के बीच का एंगल, मान लिया A और B आपस में इतने डिग्री से सेपरेटेड है। जैसे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इधर फोर्स लगा रहा था इधर लगा रहा था, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ये थीटा आप कहाँ दिखाओगे, यहाँ दिखाओगे। कई बार ये कन्फ्यूजन होती है कि A और B के बीच का एंगल ये वाला है, नहीं, आप ध्यान रखेंगे A जिधर जा रहा है इधर की तरफ जा रहा है और B इधर जा रहा है, तो इनके बीच का एंगल ये वाला लेना है। कभी भी ये वाला एंगल A और B के बीच का एंगल नहीं होगा। अगर A इधर जा रहा होता B इधर जा रहा होता तो ये वाला एंगल बनता। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने इस A को इस B को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा है, तो ये जब यहाँ था तो ये वाला एंगल A और B के बीच का एंगल था,
तो अब आगे आपने शिफ्ट किया है तो ऑब्वियस है ये वाला एंगल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं वैसे। और इसका एक तीसरा नियम भी है, कुछ बच्चे याद करते हैं कि कभी भी जो एंगल लेते हैं वो हेड टू हेड या टेल टू टेल, जैसे इस एक को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं तो टेल टू टेल के बीच का एंगल, या फिर ये हेड टू हेड के बीच का एंगल, ऐसा लिया जा सकता है। तो एंगल कभी भी एक हेड और एक टेल के बीच में नहीं लिया जाता, ये दूसरा तरीका है, कुछ बच्चे इसको ऐसे याद रखते हैं। खैर ओवरऑल ए और बी के बीच का एंगल पता है, ए और बी ऐसे लिंक्ड है। अब अगर ये 90 डिग्री पे होता तो इसको निकालना बड़ा आसान था, आप पाइथागोरस लगाते और आंसर आ जाता, लेकिन मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता, लेकिन फिलहाल ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना देना है इस ट्रायंगल को और इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। जब आप ये एक्सटेंड करके ऐसा बनाओगे तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बना है, इस छोटा वाला ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है बी, तो आप इस बी को चाहो तो रिजॉल्व कर सकते हो। अभी रिजोल्यूशन में मैंने समझाया कि इस बी का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस थीटा और इसी बी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन थीटा। आई होप आप रिजोल्यूशन वाला पार्ट ध्यान से देखा आपने कि अगर एक ट्रायंगल ये छोटा वाला बन रहा है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस बी है तो उसका बेस कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस थीटा और इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन थीटा। तो ये बी कॉस हो गया और ये बी साइन हो गया, दोनों ही एंगल आपने रिजॉल्व कर डाले। अब अगर मैं नोमेनक्लेट कर दूं, जैसे इस पॉइंट का नाम रख दूं एम, इस पॉइंट का नाम रख दूं एन, इस पॉइंट का नाम रख दूं ओ और एक बीच में ये पॉइंट बना है पी, तो आप ध्यान से देखेंगे ट्रायंगल एम एन ओ, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ साफ साफ दिख रहा है। सो अगर इस ट्रायंगल को यूज़ कर लें, यानी कि आप ये देख लें फ्रॉम ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा एम एन ओ, तो यहाँ से आप चाहो तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस लगा सकते हो। तो फ्रॉम पाइथागोरस इक्वेशन परपेंडिकुलर, यानी एम ओ का स्क्वायर कहीं ना कहीं बराबर हो जाएगा एम एन का स्क्वायर, एम एन का स्क्वायर और प्लस एन ओ का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आई होप ये वाली बात आपको समझ आई। अगर आप एक और चीज़ पे गौर करेंगे तो एम से लेकर के एन जो आपने यहाँ लिखा हुआ है, ये एम, ये एम पी, ये वाला पॉइंट बीच में पी है, एम पी प्लस पी एन के इक्वल है, तो आप चाहिए तो एम एन की जगह एम पी प्लस पी एन भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो एम ओ का स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है, अगर देखेंगे तो एम एन की जगह क्या लिखना है, तो आंसर इज एम पी प्लस पी एन और इसका होल स्क्वायर और प्लस लास्ट में तो एन ओ का होल स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, लास्ट में एन ओ का होल स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। अब जरा इनकी इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स पे विचार कीजिए, क्या एम से लेकर के ओ तक वेक्टर आर है, तो इसका मैग्नीट्यूड्स केवल आर होगा, यानी आर उसका स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्या एम से पी तक वेक्टर ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड ए होगा। और क्या पी से एन तक की जो वैल्यू है क्या वो बी कॉस थीटा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और ध्यान से देखेंगे तो एन से ओ तक की वैल्यू कितनी है, तो बी साइन थीटा है, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं बी साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको थोड़ा और रिजॉल्व करें तो लिखा जा सकता है आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जो b वाला टर्म है इसका स्क्वायर करेंगे तो इनका और इनका इंडिविजुअल लिखना पड़ेगा, यानी b का करेंगे b स्क्वायर और cos का करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, ये लिखने का तरीका है। और प्लस आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा भी होता है, मतलब 2ab होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू a तो a ही है, b b cos थीटा है, तो इसको लिखना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। और साथ में ये लास्ट में आ रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आई होप आपको ये क्लियर हुई कहानी बहुत अच्छे से। सो अब आप देखिए ध्यान से, ये वाला टर्म है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसमें से मैं बी स्क्वायर को कॉमन ले लूँ यहाँ से इसमें से, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस इसमें से इन दोनों में से कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज और प्लस 2ab cos थीटा। आई होप आपको क्लियर हुआ। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप जानते ही हो, पहले से 1 होता है, यानी कि r स्क्वायर को सीधा लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फाइनल रिजल्टेंट का फार्मूला बना
इसी को आप चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। मैं आपको बता दूं रिजल्टेंट का ये फार्मूला जिसमें कॉस आ रहा है इसको लॉ ऑफ कोसाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कोसाइन। यानी जब आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा किसी भी दो वेक्टर का तो आप ध्यान रखेंगे आप वो कॉस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यानी आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हमेशा यही फार्मूला लगाना है, ये फाइनल फार्मूला जब भी किसी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात होगी। अब अगर कॉस जीरो है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है कॉस जीरो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं उस केस को यहाँ समझा देता हूँ। लेकिन उससे पहले आई होप आपने इन दो कहानियों को बहुत अच्छे से समझ लिया कैसे ये फिगर बनाना है और कैसे निकालना है। इसको अगर नोट करना हो तो पॉज करके एक बार नोट करिए, फिर मैं हटाता हूँ और फाइनली इसकी केस एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ और इस फाइनल फार्मूले को लिख करके इसके एक दो केस एनालिसिस कर लेते हैं। सो फाइनली हमारे पास ये फार्मूला है जो आपने देखा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें सबसे पहला केस की मान लेते हैं अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जीरो डिग्री है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में। अब कॉमन सेंस तो ये कहता है कि अगर दोनों सेम होंगे तो ए प्लस बी, यानी 10 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन दोनों सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो कॉमन सेंस है 10 प्लस 20 यानी नेट फोर्स कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। अब मैथमेटिक्स क्या कहती है जरा वो भी देख लीजिए। अगर आपने इसको लिखा, सॉरी यहाँ बी भी होना चाहिए, अगर कॉस जीरो डिग्री हुआ तो जीरो डिग्री की वैल्यू होती है 1, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, जिसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सर रो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू ये है, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आंसर इज ए प्लस बी। यही हमारा कॉमन सेंस भी है बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर थीटा 180 डिग्री है, इसी में केस नंबर 2, ये केस नंबर 1, अगर थीटा 180 डिग्री है तो ये हो जाएगा माइनस वन आएगा ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, जिसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे में आर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ। ऐसे ही तीसरा केस, अगर थीटा 90 डिग्री है, मान लेते थीटा 90 है थीटा 90 मतलब कॉस 90 होता है जीरो, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आर ठीक इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नॉर्मल पाइथागोरस यही तो है जब दोनों एक दूसरे से 90 हों। तो ये फार्मूला आप पहले से जानते हैं, यानी कि लॉ ऑफ कोसाइन में वो सारे केसेस लगाए जाते हैं लगाए जा सकते हैं जिसमें ए और बी पता हों और आप इसको सॉल्व करें। तो आई होप आपको 1, 2 और 3 केस पता लग गया। इसमें एक और केस होता है केस नंबर 4, लेकिन आई होप आपने ये नोट कर लिया है और इसको समझ भी लिया है। मैं इसको हटाता हूँ और केस नंबर 4 यहीं से डिस्कस करता हूँ। सो केस नंबर 4 कि मान लिया ए और बी आपस में एक दूसरे से बराबर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में एक दूसरे से कैसे हैं बराबर हैं। अगर बराबर हुए तो आर स्क्वायर लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2a² प्लस ए इंटू ए, बी को भी ए लिखा जा सकता है, यानी कि 2a² कॉस थीटा। आपको बताइए, यानी आर स्क्वायर लिखा जा सकता है, अगर आपने 2a² कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। आई होप आपको ये वाली बात पता लग गई कि आर स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस 2a² 1 प्लस कॉस थीटा लिखा जा सकता है। सो अब यहाँ एक काम और कर सकते हैं, एक आइडेंटिटी होती है जो आपको पता होना चाहिए, बड़ी काम की आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉस थीटा, और इसको लिखा जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर आप चाहें तो उसको भी यहाँ लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो r का स्क्वायर हो जाएगा 2a² और इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये वैल्यू तो r के स्क्वायर की है, और मान लीजिए आपको निकालना है r, तो आपको राइट साइड का रूट करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 4, इसका रूट करेंगे तो आ जाएगा 2, ए स्क्वायर का रूट करेंगे तो आ जाएगा a, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट करेंगे तो केवल कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा, कॉस थीटा बाई 2। आई होप कि आपको ये फार्मूला समझ आया रिजल्टेंट का। बड़ा ही खूबसूरत फार्मूला है कि अगर a और b दोनों आपस में इक्वल हों तो रिजल्टेंट का फार्मूला डायरेक्टली लिखा जा सकता है 2a cos θ/2। ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज केस नंबर 4। तो आई होप कि केस नंबर 4 पे क्लैरिटी आ गई, जहाँ a और b आपस में क्या है, इक्वल है। एक और लास्ट केस नंबर 4
सॉरी केस नंबर 5 की बात करेंगे, जब आर ए और बी आपस में तीनों बराबर हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो दोनों वेक्टर के बराबर है और वो दोनों वेक्टर्स भी आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, तो बताओ उन तीनों के बीच का एंगल क्या है, क्या ये पॉसिबल है? और पॉसिबल है तो इसका मतलब ए और बी एक दूसरे से कितने डिग्री के ऊपर लिंक्ड हैं, एसोसिएटेड हैं, उसको केस नंबर 5 लिखेंगे। तो मैं इसको एक बार हटाता हूँ और केस नंबर 5 डिस्कस करते हैं। सो केस नंबर 5 की बात करते हैं। केस नंबर 5 में क्या है, ए बी के बराबर है और ए आर के बराबर है, मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे से बराबर है। तो एक काम करते हैं, तीनों को कोई एक वेरिएबल लिख देते हैं, जैसे ए लिख देता हूँ मैं, इसको भी ए, यानी ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व किया ही अभी हमने, कितना 2a² 1 + cos थीटा, आपको पता ही है डायरेक्टली a² + a² 2a² कॉमन लिया, 1 + cos थीटा लिखा जा सकता है। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा तो बचा यहाँ 1, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 1/2 = 1 + cos थीटा। अब आप चाहो तो cos थीटा की वैल्यू ले आइए, ये 1 इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, तो 1/2 - 1, जिसको लिखा जा सकता है -1/2। अब आपको पता ही है कि थीटा, cos थीटा की वैल्यू माइनस में 1/2 कब आएगी, जब थीटा कैसा होगा, तो आंसर इज 120 डिग्री, क्योंकि आपको पता ही है आप 90 प्लस थीटा को cos थीटा लिख सकते हो, 90 प्लस 30 को cos, अगर मैं 120 यहाँ प्लेस कर दूँ तो 90 प्लस 30 साइन थीटा माइनस में वो भी, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 और माइनस होगा तो -1/2, यानी cos में 1/2 नेगेटिव में तब आता है जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 120 डिग्री होती है। तो इसका मतलब ये केस पॉसिबल है, तीनों एक दूसरे के बराबर हों, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो ये डायरेक्ट केस भी है और एक क्वेश्चन भी है। तो आई होप कि ऑल 5 केसेस आपको समझ आए, एंगल का सारा हिसाब कोसाइन रूल से, इस रूल को कोसाइन रूल कहते हैं, कोसाइन रूल से कैसे कैसे निकालना है मैग्नीट्यूड, उसकी बात करेंगे। अब इसकी अगली, इससे जो अगली बात है वो है डायरेक्शन की। डायरेक्शन में एक बेसिक और एक साइन रूल, दो बातें बड़ी टेक्निकल हैं, बड़ी स्पेशल है। एक तो सबसे बेसिक वाला, डायरेक्शन का यहाँ क्या मतलब है, अगर ए में बी एसोसिएट हुआ और वो आर बना, तो वो आर ए से कितनी दूर शिफ्ट हो गया, यही एंगल निकालना रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालना कहलाता है। मतलब जब भी बात डायरेक्शन की होगी तो आप समझिए कि आपसे पूछा जा रहा है कि कितने डिग्री से शिफ्ट हुआ, यानी ए और बी के कंबाइन होने से जो आर बना उसका या तो ए के साथ क्या एंगल है या बी के साथ क्या एंगल है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इस एंगल को मान लो बीटा मान लिया, तो बी से एंगल अगर बीटा है आर का और ए से एंगल अगर अल्फ़ा है, तो अक्सर पूछा जाता है कि अल्फ़ा की वैल्यू बताइए। ये बीटा बहुत कॉमन नहीं है लेकिन अल्फ़ा काफ़ी कॉमन है, अल्फ़ा आपसे अक्सर पूछा जाता है कि आप अल्फ़ा बताइए। तो इसका ये वाला एंगल निकालने का क्या तरीका है, किस तरीके से निकालें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस अल्फ़ा के लिए भी यही ट्रायंगल मतलब इसी ट्रायंगल का रेफरेंस लिया जा सकता है। अब कैसे निकालना आइए करते हैं, उससे पहले मैं इसको हटा देता हूँ और सीधा बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की। सो आइए डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन का मतलब एंगल ऑफ रिजल्टेंट। अगर आप ध्यान से देखिए तो मैं अगर इस पूरे ट्रायंगल का रेफरेंस ले लूँ, ट्रायंगल MNO का, तो इस ट्रायंगल से आप एक काम कर सकते हैं। वैसे तो इस ट्रायंगल का हर कुछ पता है, जैसे इसका बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है। तो अगर मान लिया आप रिजल्टेंट नहीं निकालना चाह रहे, आपको डायरेक्टली एंगल निकालना है, तो आप ए और बी की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। बी का रिजल्ट कंपोनेंट बी साइन थीटा पता है यानी परपेंडिकुलर, और बेस, तो अगर इस ट्रायंगल में आप टेन अल्फ़ा लगा लें यानी टेन थीटा की वैल्यू लगा लें, या एंगल अल्फ़ा है तो अल्फ़ा लगाइए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ध्यान से देखेंगे तो परपेंडिकुलर कितना है, तो आई होप आपको क्लियर है, बी साइन थीटा। अगर आप परपेंडिकुलर देखेंगे तो कितना आ रहा है, बी साइन थीटा, ठीक सामने वाली। और बेस देखेंगे तो ये साइड आपको दिखेगी साफ साफ, ये देखेंगे आप तो यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक बी कॉस थीटा है, दोनों का सम कर लीजिए, ए प्लस बी कॉस थीटा। आई होप आपको क्लियर है, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, क्योंकि ये पूरा का पूरा बेस यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ए और यहाँ से यहाँ तक बी कॉस थीटा, तो पूरा बेस कितना हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये वाला कितना हो गया बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा कैन बी रिटन इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। आई होप आपको ये क्लियर है।
बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अब इसमें भी मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। मान लिया थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, यानी दोनों एक दूसरे से, ये वेक्टर ऐसा है, परपेंडिकुलर है, यानी थीटा की वैल्यू कैसी होगी, 90 डिग्री। तो अगर इस केस में थीटा 90 डिग्री हो गया, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो साइन 90 की वैल्यू 1, 1 इंटू बी, यानी ऊपर वाला टर्म हो जाएगा बी, कॉस 90 की वैल्यू 0, 0 इंटू बी 0, ए प्लस 0 बचा ए, यानी टेन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी बाई ए। आप जानते भी है पहले से भी, अगर ये यहाँ जाएगा तो बी परपेंडिकुलर, ए बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस ही टेन थीटा होता है। तो ये केस भी आपके लिए बड़ा स्पेशल है जो आपको पता होना चाहिए। थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो अल्फा, टेन अल्फा की इंटायरली वैल्यू 0, यानी कि रिजल्टेंट भी 0, यानी उसी एंगल में लग रहा होगा। तो ये सारे केसेस आपको क्लियर है। आई होप कि आपको रिजल्टेंट की डायरेक्शन को निकालने का एक फॉर्मूला पता लगा कि किस किस तरीके से निकालते हैं। टेन लगाना है टेंजेंट ऑफ अल्फा और वो इस फॉर्मूले के इक्वल हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन को निकालने का सिंपल सा केस है। अब इस डायरेक्शन में एक और कहानी कई बार पूछी जाती है। ये जो थीटा दिख रहा है, ये जो अल्फा दिख रहा है और ये जो बीटा दिख रहा है, थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, अल्फा ए और आर के बीच का एंगल है और बीटा आर और बी के बीच का एंगल है। कई बार आपसे पूछा जाता है, ये वाला जो बी है उसको मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ कन्फ्यूजन ना हो। कई बार आपसे पूछा जाता है कि अल्फा थीटा और बीटा का आपस का क्या रिलेशन है, वो निकाला जाए। अल्फा थीटा और आर, उसी रिलेशन को लॉ ऑफ साइन कहते हैं। जैसे मैग्नीट्यूड वाले फार्मूले को कोसाइन रूल कहते हैं, तो इन तीनों के रिलेशन को साइन रूल कहते हैं। तो कई बार डायरेक्टली वो हमारे काम आ जाता है। तो आइए ज़रा इन तीनों एंगल्स को आपस में लिंक करते हैं, अल्फा थीटा और बीटा को। तो उससे पहले मैं इसको हटा देता हूँ और लॉ ऑफ साइन की डिस्कशन यहाँ करते हैं। सो अब वक्त है इस लिंकिंग को समझने का। जैसे मान लिया आपको थीटा के साथ अल्फा लिंक करना है, तो जब कोई दो एंगल को लिंक करना होता है और दो, तो देखना पड़ता है कि वो एंगल से जुड़े हुए कोई ट्रायंगल्स की कोई साइड कॉमन है क्या। जैसे आप देखिए ध्यान से, इस थीटा से ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल है। तो फ्रॉम ट्रायंगल, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँ PNO, तो PNO ट्रायंगल से ये परपेंडिकुलर बन रहा है और इस बड़े वाले ट्रायंगल से भी यही परपेंडिकुलर बन रहा है। तो कहीं ना कहीं इस NO की साइड से हम कहीं लिंक कर सकते हैं। दूसरा क्लियर इन्फॉर्मेशन क्या है, इस थीटा में ये रिजॉल्व फॉर्म है बी कॉस थीटा और ये वाला क्लियर है बी, ये वाली साइड बी है। तो अगर मैं बी को और इस साइड को लिंक करूँ, ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है, तो कहीं ना कहीं साइन थीटा के थ्रू लिंक किया जा सकता है। यानी अगर साइन थीटा लिखो इस ट्रायंगल से, तो आप लिख सकते हो ये वाली साइड, इस वाली साइड को मैं कह देता हूँ NO डिवाइड बाई, और हाइपोटेनियस क्या है, तो आई होप आप समझ गए, हाइपोटेनियस है बी, यहाँ से यहाँ तक की साइड है बी। तो साइन थीटा को लिंक किया जा सकता है NO बाई बी। ऐसा ही तो यहाँ से NO की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बी साइन थीटा। आई होप आपको ये क्लियर है। ऐसे ही अगर ट्रायंगल MNO को ले लो, आप बड़े वाले ट्रायंगल को ले लो MNO, तो इसमें भी ये वाला तो ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन है, बट ये वाला क्लियर इन्फॉर्मेशन है आर। तो अगर आप ये हाइपोटेनियस और फिर से ये परपेंडिकुलर का रिलेशन लेकर के फिर साइन ले लो, तो साइन अल्फा लिया जा सकता है NO डिवाइड बाई आर, यानी यहाँ से जो NO की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आर साइन अल्फा। अगर दोनों को आपस में लिंक कर दिया जाए NO ऊपर और NO नीचे, क्योंकि दोनों ही NO की वैल्यू हैं, सो आर साइन अल्फा की वैल्यू जो होगी वो कहीं ना कहीं बी साइन थीटा के एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगी। या फिर आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर बाई साइन थीटा, ये इधर आ जाएगा ये इधर, तो ये ठीक बराबर हो जाएगा बी बाई साइन अल्फा के। ये रिलेशन आर और बी का लिंक हो गया बड़ी खूबसूरती के साथ, जिसमें केवल साइन है इसीलिए इसको लॉ ऑफ साइन कहते हैं, इसमें आर है और इसमें बी है। ये एक तक खूबसूरत रिलेशन है जो ए बी आर, अल्फा थीटा और बीटा, इन तीनों को लिंक करने वाला रिलेशन है। अब आपको यहाँ आर और बी दिख रहे, थीटा और अल्फा दिख रहा है, आर ये है बी ये है, थीटा और अल्फा दिख रहा है, लेकिन ना तो बीटा दिख रहा है ना ए दिख रहा है। इनको भी अगर हम लिंक करें तो जा करके हमारा प्रॉपर रिलेशन कम्प्लीट होगा। अब अगर इस बीटा को लिंक करना है, तो बीटा के ठीक सामने कोई ऐसा ट्रायंगल बन नहीं रहा राइट एंगल ट्रायंगल जैसा, तो आप यहाँ एक नॉर्मल प्लॉट करेंगे यहाँ से यहाँ तक और बना लेंगे, इस साइड का नाम लिख लेंगे पी क्यू, ये क्यू है ये पी है। तो अब जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल पी क्यू ओ, इस ट्रायंगल से बीटा लिंक किया जा सकता है
और इस ट्रायंगल से ए लिंक किया जा सकता है, ए और अल्फा लिंक किया जा सकता है। तो एक लिंकिंग आपको यहाँ बनेगी, उसके लिए आपको एक परपेंडिकुलर प्लॉट करना पड़ेगा। तो अब एक ट्रायंगल इस तरफ और एक ट्रायंगल इस तरफ, दोनों का ये वाली साइड कॉमन है, इसी तरीके से उसको भी लिंक किया जा सकता है। तो अगर मैं पी क्यू और ओ को लिंक करूँ, यानी फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू ओ, इसमें अगर साइन बीटा की वैल्यू ले लूँ, साइन बीटा, तो साइन बीटा अगर यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, आपको पता है, और ये हो जाएगा बेस, सॉरी हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर, ये तो बेस ही रहेगा, इसी के ऊपर लिया हुआ है ये, ये वाली हाइपोटेनियस हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी कि पी क्यू डिवाइड बाई बी, यानी यहाँ से पी क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बी साइन बीटा। आई होप आपको क्लियर है, पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, पी क्यू की वैल्यू बी साइन बीटा। ऐसे ही अगर मैं इस वाले ट्रायंगल से लिंक करूँ, कौन सा ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू, पी क्यू के साथ एम को लिंक कर दूँ, तो यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू लिखी जा सकती है। साइन अल्फ़ा क्या लिखेंगे, ये वाला अल्फ़ा, इस अल्फ़ा के ठीक सामने परपेंडिकुलर पी क्यू अगर आप देखेंगे, यानी इसको लिखा जा सकता है पी क्यू और डिवाइड बाई वॉट, डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, ये वाली साइड हो जाएगी ए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, यानी पी क्यू बाई ए। तो यहाँ से पी क्यू की जो वैल्यू आ सकती है वो आ जाएगी ए साइन अल्फ़ा। अब अगर ये दोनों वैल्यूज़ पी क्यू की हैं तो आपस में इनको लिंक किया जा सकता है और इससे भी एक रिलेशन आ जाएगा। ये फिगर आई होप आप समझ गए। हमें बीच में एक परपेंडिकुलर प्लॉट करना पड़ा जिससे बीटा और अल्फ़ा लिंक किया जा सके, ए और बी लिंक किया जा सके, जिससे कि ये खूबसूरत रिलेशन आ सके। तो आई होप कि ये डायग्राम आपको क्लियर है। मैं एक बार इसे हटाता हूँ और इस लिंकिंग को फाइनल दिखाता हूँ, इस चीज़ को इरेज कर देता हूँ। डायग्राम तो क्लियर हो ही गया आपको। सो अगर आप दोनों साइड पी क्यू को लिंक कर लो तो आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं आप बी साइन बीटा, ये ठीक बराबर लिखा जा सकता है ए साइन अल्फ़ा के, यानी अगर साइड ट्रांसफ़र करें तो ये साइन अल्फ़ा इधर आ जाएगा, यानी बी बाई साइन अल्फ़ा कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू ए बाई, ये ए है और ये साइन बीटा इधर आ जाएगा, यानी ए बाई साइन बीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो बी बाई साइन अल्फ़ा यहाँ भी है, बी बाई साइन अल्फ़ा, बी बाई साइन अल्फ़ा किस चीज़ के इक्वल है, आर बाई साइन थीटा के। तो क्या ये ठीक बराबर हो सकता है आर बाई साइन थीटा के। ये रिलेशन आ गया, खूबसूरत सा रिलेशन जिसमें ए बी और आर हैं, अल्फ़ा बीटा और थीटा है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ साइन। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ साइन। अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, तो फिगर वाइज तो आप देखेंगे कि अगर ये ए था, ये बी था और ये आर था, तो ये वाला एंगल अल्फ़ा, ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल बीटा, यानी कि बी के साथ डिवाइड में वो एंगल है जो बी के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं है, यानी बी के साथ कॉन्टैक्ट में है बीटा और थीटा, तो बी के डिवाइड में कौन गया, अल्फ़ा। ऐसे ए के साथ कौन कौन लिंक है, ए के साथ लिंक है थीटा और ए के साथ लिंक है अल्फ़ा, तो ए के डिवीज़न में कौन गया है, बीटा। ऐसे ही आर के साथ अल्फ़ा बीटा लिंक है, थीटा का कोई लिंक नहीं है, तो आर के साथ डिवाइड में कौन गया है, साइन थीटा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसमें ए और बी और उसकी वजह से फॉर्म होने वाले रिजल्टेंट आर उसका एंगल है। मैं आपको बता दूं, ये जो लॉ ऑफ साइन है इसकी एक एप्लीकेशन है जो कहीं ना कहीं एनएलएम के अंदर जब आप इक्विलिब्रियम के केसेस निकाल रहे होते हैं और वहाँ जब दो फोर्सेस, जैसे मान लिया एक फोर्स इधर लगा F1 और दूसरा फोर्स इधर लगा F2, अगर इसको बैलेंस करना चाह रहे हैं, इक्विलिब्रियम करना चाह रहे हैं, आपको पता ही होगा कि इसकी वजह से रिजल्टेंट ऐसा बनेगा कहीं आर, तो आपको जो तीसरा फोर्स लगाना होगा वो एग्जैक्टली इसी आर के बराबर और एग्जैक्टली अपोजिट लगाना पड़ेगा। फिर से एक बार कहता हूँ, अगर ये F1 है और ये F2 है तो इसका रिजल्टेंट बीच में होगा, तो आपको जब इसको बैलेंस करना है, इक्विलिब्रियम करना है, तो आपको एग्जैक्टली इस रिजल्टेंट के बराबर एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जा कर के ये तीनों बैलेंस कर गए। अब अगर ये बैलेंस कर गए और मान लेते हैं कि F3 के ठीक सामने वाला एंगल θ3 है, ये वाला एंगल θ2 है, F2 के ठीक सामने वाला और F1 के ठीक सामने वाला θ1 है, तो इसी लॉ का एक कन्वर्जन है जिसको आप लामीज थ्योरम कहते हो। और ध्यान रखेंगे, लामीज थ्योरम इसी का एक्सटेंशन है। वो ये कहता है कि अगर तीनों चीज़ें एंगल आपस में बैलेंस हो गए, अगर एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, तो बैलेंस कंडीशन में F1 बाई साइन थीटा 1 ठीक बराबर हो जाएगा F2 बाई साइन थीटा 2 के, जो कि ठीक बराबर हो जाएगा F3 बाई साइन थीटा 3 के। यानी F1 के डिवाइड में वो एंगल आएगा जिसका F1 से कॉन्टैक्ट नहीं है, जैसे F1 कॉन्टैक्ट में है थीटा 3 थीटा 2,
तो इसके डिवाइड में जस्ट अपोजिट वाला थीटा वन आएगा। ऐसे ही एफ टू के साथ ये दोनों कॉन्टेक्ट में है तो इसका ठीक अपोजिट वाला एंगल आएगा। तो क्या ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं है? बस ये क्या है, इक्विलिब्रियम का केस है और ये दो वेक्टर्स की रिजल्टेंट का केस है, इतना सा डिफरेंस है। तो लॉ ऑफ साइन और इसका एक्सटेंशन लामीज थ्योरम, ये दोनों हमारे काफ़ी काम आते हैं। लेकिन फिलहाल वेक्टर के इक्वेशन करने में कोसाइन लॉ यानी लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन, ये दोनों ही लॉज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये सारी एनालिसिस थी जिसमें हमने समझा, अब इनको प्रैक्टिकली यूज़ करना है। डायरेक्टली कोई दो इन्फॉर्मेशन दी हुई हो, तीसरी पूछ रहे हैं, मान लो इसी में एक दो तीन दिया हुआ, चौथा पूछ रहा हो, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं बिना किसी टेंशन लिए। तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड के लिए लॉ ऑफ कोसाइन, डायरेक्शन के लिए टेन अल्फा वाला और ये वाला फार्मूला, ये दोनों लगाना है। रिजोल्यूशन का मतलब आप समझिए किसी वेक्टर के अलग अलग एक्सेस में निकालना। और तीन लॉज आप समझिए कि ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ का मतलब क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कितने ज़रूरी हैं, ये सारी कहानी आई होप आपको अंडरस्टैंड हुई। तो वेक्टर के फर्स्ट पार्ट में आपने समझा बेसिक इंट्रोडक्शन, डिफरेंट डेफिनेशन जो वेक्टर के साथ लिंक है। सेकेंड पार्ट में तीन बातें पढ़ी आपने, नियम, वेक्टर के लॉज, रिजोल्यूशन और मैग्नीट्यूड निकालना। अब वेक्टर का जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जो कि फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट है, देखा जाए तो चैप्टर नंबर 7 में, चैप्टर नंबर 6 में डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 7 में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं। यानी जब दो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है, यानी उन दोनों की इंडिविजुअल चर्चाएँ करनी है हमें। तो तीसरा लेक्चर आएगा वेक्टर का जिसमें प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज की बात करेंगे और वेक्टर एंटायरली खत्म फिजिक्स में, मैथ्स में तो डिटेल के साथ पढ़ना ही होता है। तो आई होप कि आपको वेक्टर का ये लेक्चर समझ आया, बेसिक सारी चीज़ें क्लियर हुई। तीसरे लेक्चर में जल्दी ही मिलते हैं जिसमें मैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज की चर्चा करने वाला हूँ। तब तक के लिए आप स्टडी करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।